इंदौर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष और भाजपा के वरिष्ठ नेता गोलू शुक्ला के ऑफिस में आग लगने के मामले में पुलिस ने कार्यवाही करते हुए टेलीकॉम कंपनी के ठेकेदार सहित दो लोगों पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दरअसल 31 मई के तड़के इंदौर के मरीमाता चौराहे स्थित इंदौर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष गोलू शुक्ला के ऑफिस में भीषण आग लग गई थी। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने मशक्कत से आग पर काबू पाया, लेकिन जब तक ऑफिस के अंदर रखा सारा सामान जलकर राख हो चुका था। तो वहीं बाणगंगा पुलिस की जाँच में सामने आया है कि एक प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी के द्वारा खुदाई कर अंडरग्राउंड केबल बिछाई जा रही है। उसी दौरान अवंतिका गैस कंपनी की गैस पाइपलाइन फूट गई, जिससे किया हादसा हुआ, जिस पर पुलिस ने ठेकेदार सहित दो लोगों पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मरीमाता के पास में गैस पाइपलाइन के पंक्चर हो जाने के कारण सडनली सुबह 1 तारीख को अचानक आग लग गई, जिसमें कार्यालय भी चल गया था और भी नुकसान हुआ था। इसकी जांच की गई, जांच में ये पता चला कि टाटा फाइबर्स की जो कंपनी थी उनके ठेकेदारों ने जो है वहाँ ड्रिल किया था, और ड्रिल के दौरान जो गैस पाइपलाइन अवंतिका गैस की निकलती थी उस पर से जो है पंक्चर हो जाने से किसी तरीके से शॉर्ट सर्किट से आग लगी और इसमें काफ़ी नुकसान हुआ आग की वजह से। इस पर से अपराध पंजीबद्ध किया गया है, धारा 336-37 और 285-86-427 IPC का अपराध पंजीबद्ध किया गया है और आरोपियों के विरुद्ध। इंदौर से हार्दिक प्रजापत की रिपोर्ट।